यूपी के सीतापुर में हरगांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेश राही डीएम दफ्तर पहुंचे और जमीन पर बैठ गए। सुरेश राही बीजेपी सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं। मंत्री सुरेश राही का कहना है कि मेरे समर्थकों के खिलाफ पूरे के पूरे गांव के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। पूरे गांव पर धारा 107/16 के तहत पाबंद कर दिया गया, वो भी एक आदमी के कहने पर। मेरे मना करने पर भी हरगांव पुलिस वहां राजनीति कर रही है। यही वजह रही कि मैं आज डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गया हूं और तब तक नहीं हटूंगा जब तक 170 लोगों के खिलाफ जो केस लिखा गया है वापस नहीं होगा। कुछ दिन पहले वहां जो गौशाला था वहां की गाय वगैरह वो प्रधान जो था रात में छोड़ देता था, तो गाँव वालों ने शिकायत की कि गाय को रात में छोड़ो, उसको लेकर विवाद हुआ। उस विवाद में दिखा दिया गया कि ये लोग ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि कहीं ग्राम सभा की जमीन का कोई मतलब ही नहीं था। और इन गांव वालों को नोटिस भेज दी गई इस तरीके से, इतनी ना कोई जमीन का जिक्र है कि कौन सी जमीन है, नंबर कौन सा है, कहीं कुछ नहीं है। और इसमें से 70% लोग कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात में काम कर रहा है, उन लोगों के नाम है। और कुछ इसमें जो आदमी को नाम लिखे हैं साथ साथ उनकी सभी की महिलाओं के भी नाम डाल दिए गए हैं, जैसे उन बच्चियों के नाम डाल दिए, पप्पू निर्मला पत्नी पप्पू, देशराज मेवाला संगीता पत्नी देशराज, अमरीश कुमार प्यारेलाल पुष्पा देवी अमरीश कुमार, मतलब उनकी पत्नियों के नाम भी डाल दिए गए। और जो है ही नहीं यहाँ पे, जो लोग यहाँ रह नहीं रहे, आखिर किस आधार पर इस तरीके से ये SDM साहब ने भेज दिया है। और उसके बाद एक घटना होती है, अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी जाती है। उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से लोगों ने इस घटना की होगी, कोई जांच नहीं की गई, कोई कुछ नहीं किया, सारी लिपापोती हो गई और निर्दोष गांव वालों को फंसा दिया गया। अब इतने लोगों को एक साथ जमानत दिलाने के लिए बोल दिया गया, कहां से कराएंगे लोग, कौन सी जमीन ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या अधिकारियों ने कोई जाँच नहीं की कि कोई वहाँ जमीन है अभी नहीं है, बिना जाँच किए ग्राम सभा की जमीन दिखा के इन लोगों को नोटिस भेज दी, जबकि प्रधान स्वयं 84 बीघे ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है, उसे कोई नोटिस नहीं दी गई और उसको और तौर उसको सुरक्षा दे दी गई, दो पुलिस वाले दे दिए गए। कितने लोगों को नोटिस दी गई है? लगभग 170 लोगों को नोटिस दी गई है। डीएम साहब अभी मिले तो हैं? डीएम साहब देखिए भाई, अधिकारी है वो, तो जब उनके पास समय होगा आ जाएंगे, मिल लेंगे हम लोग भाई, बैठे यहाँ पे आराम से। लेकिन इस तरीके से निर्दोष लोगों को परेशान किया जाएगा, ये उचित नहीं है। अधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं इस समय, और जिन पे मुकदमा लिखा हुआ है अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं कराई किसी की है, आधे उसको सुरक्षा दे दी गई पुलिस वालों ने, दे रखी है। क्या मांग करते हैं? मांग क्या है, बस जांच की जाए और जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए और ये वापस ली जाए, नोटिस वापस ली जाए।